मुझे माफ कर दो। मैं तो अपनी गलती की माफी मांगने आई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आई, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आई, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी आई भी तो है। ये छोटे छोटे सवालों के लिए मैंने आपका हर बार बहुत अपमान किया, प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। मैं भूल गई थी कि वो घर सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी तो है। तो भी मैंने उस घर को आपसे छीन लिया। इतना बड़ा गुनाह किया, और उससे बड़ा गुनाह तो मैंने ये किया है कि खुद एक माँ हूँ, तो भी आपको अपने बेटे से अलग कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। आई, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अपने अपराधों को कम करना चाहती हूँ। आई, प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्लीज, तो इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये सुधरने वालों में से नहीं, यहाँ आई ना तो कोई प्लान कर कर ही आई हो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हो गई ना गलती आई, बहुत बड़ी गलती हुई आई कि वो घर मैंने आपसे छीन लिया। लेकिन अब वो गलती का मैं सुधार करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि उस घर के पेपर्स आप मुझे अपने हाथों से दे दें। तब जब वो घर ऑक्शन में धर्मे जीत जाएगा, हैरान मत होना अर्जुन, इससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। अरे मैं इनकी इस हरकत पर हैरान नहीं, मुझे तो बस लग रहा है कि इनकी हिम्मत तो देखो, इन्हें अभी भी यही लगता है कि करंट कर हाउस इनका हो जाएगा। लेकिन एक बात भूल रही हैं आप कि मानव के होते ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मानव खुद ये घर खरीदेंगे और उसे देंगे जिसका ये घर है, और वो है मेरी आई। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूं बहनी, जिस दिन आपको उस घर से धक्के मार कर निकाला जाएगा, और तब आपको पता चलेगा कि आपके गुनाहों का कोई प्रायश्चित नहीं। सच में अर्जुन? हाँ। अरे मैं भी तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूं, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है अर्जुन। मुझे पता है, ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन्ड हो गई है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तब तक तो मानव वापस आ ही नहीं पाएगा, है ना? या फिर मुंह में दही जम गया? बोल ना अर्जुन, कुछ तो बोल बाबा। तुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हो गया है, ऑक्शन प्रीपोन्ड हो गया, तुझे नहीं पता था? मैं जानती थी मैं कि ये खबर तुझे किसी ने नहीं पहुंचाई। अरे इसीलिए तो मैं ही तुझे ये खुशखबरी सुनाने आ गई। ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन्ड हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो घर लीगली 2 दिन पहले ही मेरे हाथ में आने वाला है। बाय अर्जुन, बाय बाय।
आशीर्वाद दीजिए आए। यू डोंट वरी मानो, तुम जिस काम के लिए वहां गए हो तुम उसे पूरा करो, मैं प्रोजेक्ट किसी और को दे देता हूं। ओके ओके। यस सर। क्या बात? सर एक्चुअली मैंने सुना था कि अर्चना यहाँ पर आई थी, कुछ बात करके गई आपसे। इस मामले में तुमसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एनीवे, यू टेल मी, व्हाट्स द प्रोग्रेस? हैव यू बीन एबल टू क्रैक द प्रोजेक्ट? और मानव की मदद के बगैर अब भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सर मदद की जरूरत तो अब मानव को पड़ने वाली है, क्योंकि जिस मकसद से वो मुंबई से दूर गया था, जब वो यहाँ लौटेगा तब उसे पता चलेगा कि वो मकसद उससे बहुत दूर जा चुका है। वो वहाँ बैठकर सपने देख रहा है और यहाँ मैं उसके सपने की जड़ को ही काट डाल, और इससे पहले कि वो इस शौक से उभर पाए मैं चौल वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। सर आई somehow don't like the tone of your voice Dharmesh, but प्लान क्या है तुम्हारा? सर मैंने करंज कर घर के ऑप्शन की डेट को प्रीपोन करवा दिया है। अब मानव के यहाँ लौटने से पहले ही ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन में मैं घर को खरीदूंगा सर, किसी भी कीमत पर। रमेश तुम्हारी निजी प्रॉब्लम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम साबित क्या करना चाहते हो? सर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस ऑफिस में अकेला मानव ही काबिल नहीं, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है? हर्ष मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं सकता क्योंकि जो आदमी वो प्रोजेक्ट अप्रूव कराने में मेरी मदद करने वाला था वो आदमी शहर के बाहर चला गया, और अब मुझे खुद से ये काम करना पड़ेगा, इसलिए आज तो बहुत भीड़ है। तो मैं कल सुबह कोशिश करूंगा। मानव आपको पता है नीलामी 2 दिन पहले आ गई है। मानव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप टाइम पर नहीं आएंगे तो क्या होगा? मानव मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तो बस एक काम करो कि जितने तुम्हारी एफडीज है ना सब तोड़वाओ, मेरे आने से पहले पैसे इकट्ठे करके रखो। लेकिन मानव मैं सब कुछ अकेले कैसे कर पाऊंगी? नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। मानव जरूर कर पाओगे, मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। ठीक है मानव, आप जैसा कह रहे मैं वैसे ही करूँ। मैं अभी बैंक जाती हूँ और सारी एफडीज तोड़वाती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा मानव। हम अपना ख्याल रखें। लिया ना फोन? मैं बोली थी ना, क्या कहा उसने? आई वो मानव कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं, और ये भी कहा है कि जितने भी एफडीज है वो सारी तोड़ दो। एफडी तोड़ने को बोला? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? ये मेरे पोते पोतियों का भविष्य है, हमारे सारे परिवार की संपत्ति है, कैसे हो सकता है ये? आई मैं जानती हूँ, लेकिन मानव ने मुझसे यही करने को कहा, मुझे अपनी तोड़नी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी आई का घर मुझे बचाना ही होगा। मेरी एफडी तोड़ेगी वो भी अपनी आई के लिए, और इसे लगता है मैं ऐसा होने दूंगी। भूल गई ये कि मैं अपने पे आ जाऊं तो सविता क्या कर सकती है? मुझे इसके बारे में धर्मेश को पता देना चाहिए कि अर्चना मानव के पास बचाव का रास्ता खुल गया है, शायद वही अब कोई जुगत लगा सकता है। क्या जरूरत थी उसे बताने की कि ऑप्शन की डेट रिपोर्ट हो रही है? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं जब तक मानव यहाँ नहीं है तभी तक हमारा प्लान काम करेगा। सोचा है कभी अगर अर्चना ने मानव को बता दिया कि ऑप्शन की डेट रिपोर्ट हो गई है तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा,
अरे मेरी सुनो तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मजा आता है ना आप औरतों को चले पे नमक छिड़कने, जरा सा मजा मेरे लिए सजा बन जाए। तुम मानव से बहुत डरते हो ना? मैं सिर्फ अपना प्लान फेल होने से डरता हूँ और किसी चीज से नहीं। जहां तक मानव का सवाल है मैं उसे कुछ नहीं समझता। अगर उसे टी के सर का साथ नहीं मिला होता ना तो आज भी वो वहीं होता जहाँ पहले था। ये डर सिर्फ इस बात का है अगर मानव को ऑक्शन की डेट का पता चल गया तो। धर्मेंद्र तुम्हारा डर ना बेबुनियाद है। अरे मानव ऑक्शन के गेट तक यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए। शांतता रखा धर्मेश बाबू, शांतता रखा। अरे बाबा तुम्हें करंसर हाउस भी मिलेगा और अर्जी और मानव पर अपनी जीत का जश्न भी तुम मनाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब कुछ मेरी वजह से होगा। बहुत बोलने लगे आप, ये मत भूलिए आपको वो घर मिल रहा है सिर्फ मेरी वजह से। आपको तोहफा नहीं दे रहा हूँ, खैरात में दे रहा हूँ आपको। क्या मुझे जीके से इस बारे में बात करनी चाहिए? एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है, सोचा आपसे बात कर लूं तो परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। शो, बोलो। जीके, क्या आप मानव को अपना दुश्मन मानते हैं? नो no. Why do you ask? क्योंकि धर्मेश जिस तरह से मानव के बारे में बात करता है मैं उसे कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि आप यू नो। आशना, ना मैं धर्मेश के साथ हूँ ना उसके खिलाफ। आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे अपनी कंपनी का फायदा जहां नजर आएगा मैं वो करूंगा। That's it. मैं जानती हूँ ठीक है कि आपके लिए हर बात सिर्फ एक बिजनेस डील ही है, बट नॉट मानव डीके। वो आपका सबसे अच्छा एम्प्लॉई है, फ्यूचर बिजनेस पार्टनर है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? मुझे क्या मदद चाहिए मुझसे? मैंने हमेशा उसको साथ दिया है। I like him. तो फिर अर्चना की मदद क्यों नहीं कर रहे आप? उनका घर नीलाम होने जा रहा है, उस घर से उनकी उनकी सारी यादें जुड़ी हुई है। आशना, now you're thinking emotionally. That's not the way to do business. मुझे अपनी कंपनी का फायदा जहां नजर आएगा मैं वो करूंगा, उसमें गलत क्या है? You know what, DK? अगर मानव आपकी जगह होता तो वो आपकी पत्नी के माँ का घर उसे वापस लौटाने में उसकी जरूर मदद करे, बट आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप ये सब कभी नहीं समझेंगे। एक बुरी खबर है, तुम्हारी आई का घर कल नीलाम होने वाला है। आई से मेरी बात हुई, उन्होंने ही बताया, इसके बाद मुझे ये पेपर मिला। मैंने सुना है कि मानव अर्चना कोशिश कर रहे हैं कि घर को बचा सकें लेकिन इतने पैसे वो इकट्ठा नहीं कर पा। देखो अर्षभ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बचपन की यादें उस घर से जुड़ी हुई, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं सतीश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने माना, उस घर के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी, उस घर की, ताई की, आई की, लेकिन जब भी मैं सबके बारे में सोचती हूँ सबसे पहले क्या याद आता है पता है? मेरे सोहम को मुझसे छीनना, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया गया है। सतीश, ताई ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, और तो और आई ने भी उसका साथ दे दिया, मेरी मदद करने की बजाय जाकर खड़ी हो गई उसके साथ। आज उनकी वजह से मैं सोहम की आई नहीं बन पाई, उस सोहम की जिसको मैंने माँ से कहीं बढ़कर प्यार दिया। नहीं सतीश प्लीज, तुम कुछ नहीं कहोगे। इसे किस्मत कहते हैं, जो भी करते हैं ना उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, और आज वो लोग यही कर। उस वक्त उन लोगों ने मेरी मदद नहीं की और आज मैं उनकी मदद नहीं करूंगी।
में नहीं लगते वो लोग मेरे, सारे रिश्ते टूट गए, गैर है वो मेरे लिए, और गैरों के साथ चाहे जो भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मदद करूंगी उनकी। क्या बात है, तो बेटी चली है अपनी आई की लाज बचाने, अपना फर्ज निभाने। लेकिन तुमको क्या लगता है अर्चना, ये इतना सा करके तुम करंज कर घर को बचा लोगी? कुछ नहीं कर पाओगी तुम, क्योंकि जहां लड़ाई फर्ज और बदले की होती है वहां हमेशा बदला जीतता है। अच्छा, और तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है धर्मेश, जहां बात झूठ और सच्चाई की होती है वहां हमेशा सच्चाई जीतती है। आई थिंक तुम्हारी दुनियादारी की समझ थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, ऑक्शन में दुरुस्त हो जाएगी, बस एक चीज की कमी खलेगी, मानव की। अगर वो भी मेरी जीत के जश्न में शामिल होता तो जीतने का मजा ही कुछ और होता, उसका लटका हुआ चेहरा देखने में कितना मजा आता। खैर, किस्मत वो सब कुछ नहीं देती जो आप चाहते हैं, फिर भी जो मिल रहा है वो कम नहीं। सोचो ना, जीतने के बाद जब मैं उस घर की चाबी विनोद और मंजू को दूंगा, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। सतीश जी, आप यहाँ अचानक? वर्षा कैसी है? आई मैं यहाँ पे अपनी मुश्किलें बांटने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों की मुश्किलों में साथ देने आया हूँ। मतलब क्या आपका सतीश जी? मैंने सुना नीलामी के बारे में, मैं जानता हूँ कि इस घर से आप लोगों की काफी यादें जुड़ी हुई हैं, थोड़े से पैसों का इंतजाम किया हुआ है, अगर इससे कुछ हेल्प हो जाए तो ये। सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं जानती कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, थैंक यू। देखो अर्चना, मैं जानता हूं जो भी हुआ, तुमने जो भी किया वो क्यों किया, और मैं यहाँ पे आई के लिए आया हूँ। अगर मेरी जगह मानव होता तो वो भी यही करता, जैसे मानो उनका बेटा है वैसे मैं भी हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, नीलामी अभी शुरू होने वाली है। नीलामी में हिस्सा भले ही ना ले रही हूँ, पर सबसे ज्यादा मजा मुझे ही आने वाला है। आज नीलाम होंगे सुलोचना के सपने और अर्चना की उम्मीद। तुझे क्या लगता है, तूने मुझसे घर छीना? अरे तूने तो मुझसे मकान छीना है। घर तो बनता है रिश्तों से, माँ की ममता से, बाप के आशीर्वाद से, जो आज मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, और तेरे पास रहेगा ये खाली मकान। जिंदगी भर तुम इस मकान को घर बनाने की कोशिश कर, तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि तूने क्या खोया। और एक बात, रजिस्टर में जिनके नाम है वही यहाँ बोली लगा सकते हैं। बोली की बेस प्राइस फिक्स्ड है 50 लाख,
आप उसके ऊपर बोली लगा सकते हैं, लेकिन बोलियों के बीच में कम से कम 10,000 का फर्क होना चाहिए। बहुत उतावली हूँ, कब से इंतजार हो रहा है मेरा। अब इंतजार नहीं किया जाता, सुलोचना ताई को घर कब मिलेगा? क्या लोचा इस सुलोचना का, जब देखो मुझे रंगे हाथ पकड़ देती है। कोई बात नहीं, आखिरी दिन है, फिर इस बला से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे सपनों की, मेरी यादों की, मेरी उम्मीदों की भी बोली लग रही है आज। 51,50,001, 51,50,002। देख क्या रहे हो, बोली लगाओ। इसे रेनोवेट करके हम लोग बड़ा सलून खोलेंगे। 53,00,000, 59,00,000। Only 59 lakhs। साहिबान आगे बढ़िए, इस प्रॉपर्टी की कीमत जानिए। 60,00,000। तुझे ये प्रॉपर्टी नहीं ले जाने दूंगा मैं अपना। 65,00,000। साढ़े 65,00,000 एक, 65,50,000 दो, 70,00,000। इससे कोई आगे जाना चाहेगा? पागल हो गई है क्या? घर की कीमत इतनी नहीं है। देख इधर, कोई बोल रहा है क्या? चुप बैठ। तुझे क्या, मानव और हमारे पैसे उड़ाना चाहती हो? आई, आप नहीं समझ सकती इन जज्बातों को। ये घर हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये आप कभी नहीं समझ सकती। जज्बातों से दुनिया नहीं बनती। तुझे अपनी आई के आंसू की इतनी कीमत है ना, तो 55,00,000 में घर खरीद के देना। मैं अपनी आई को नया घर दे सकती हूँ, लेकिन उस घर में ऐसी खुशियां नहीं होंगी जो इस घर में। इस घर में पहली बार मेरी आई दुल्हन बनकर आई। इस घर में हम सब ने जन्म लिया। इस घर से हमारी बहुत सारी यादें। ये घर बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। और मैंने मानव से वादा किया कि अगर वो यहां नहीं है तो किसी हाल में भी मैं इस घर को पाकर रहूंगी। 71,00,000। लगता है ये लड़की पागल हो गई। हाँ, कोई पागल लड़की ही इतनी कीमत दे सकती है इस घर की। धर्मेश, तुम जिंदगी में हमेशा लूजर थे और लूजर ही रहोगे। एक बात कहूँ तुम्हें, बुरी तो लगेगी तुम्हें। तुम्हारे इन्हीं कारणों की वजह से ना आज मानव तुमसे इतना ऊपर उड़ गया है। तुम्हारा बॉस बन गया है वो और तुम उसके नौकर। एक समय वो तुम्हारा नौकर हुआ करता था। बोलिए, क्या आगे नहीं बढ़ेंगे आप लोग? अरे धर्मेश, क्या हुआ तुम्हारे उस बदले का? सुबह से बदला चिल्ला रहे थे। ठंडी पड़ गई तुम्हारी बदले की आंख? मानो तो क्या, तुम अर्जुन से भी हार जाओगे धर्मेश। कुछ करो। किस्मत ही खोटी है मेरी, जैसा चाहो होता ही नहीं है। मेरी मातृभक्त बहू ने लुटा दी मेरे बेटे की सारी कमाई अपनी आई के आंसू पोंछने के लिए। इतना तो महंगा हीरा भी नहीं होता है जितने महंगे इस बुढ़िया के आंसू निकले। 71,00,001, 71,00,002, 75,00,000। पचहत्तर लाख यही हमारा लास्ट है क्या? कोई आगे जाएगा? कोई और?
यहाँ तक आई हो तो आगे भी बढ़ो, लगाओ 75 लाख से ज्यादा की बोली, ले लो अपना घर। मुझे बस मेरे मानव का इंतजार, एक बार मेरे मानव आचा हो यहाँ होता तो भी कुछ नहीं कर पाता। बोली बहुत ज्यादा लग चुकी है, तुम पूरी जिंदगी भी कमाओगी ना तो भी इतना दाम नहीं चुका पाओगे। एक मिनट, इनकी बोली इलीगल, आपने शुरू में कहा था सिर्फ वही आदमी बोली लगा सकता है जिसका नाम रजिस्टर्ड, इनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनकी बोली कैंसिल कर देनी चाहिए। और इनसे पहले की बिड यानी कि मेरी बिड 75 लाख 75 लाख वही फाइनल होनी चाहिए, ये मकान मेरा हुआ। इस बिडिंग में पहले से ही मेरा नाम है, और क्या है मैं खेल बाद में शुरू करता हूँ और खत्म पहले। फालतू का बखेड़ा करने से कोई फायदा नहीं, या तो मुझसे ऊंची बोली लगाओ या फिर अपनी जबान बंद करो और यहाँ से निकलो। $85,001, $85,002। क्या इतनी देर से एक दो करे जा रहा है, जल्दी से तीन बोलना वरना तो मैं तुझे तीन देती हूँ। 85,03,000। और अब ये करंजकर हाउस मिस्टर गजेंद्र कुमार का हो गया। हुई है वो घर अर्चना और माना के पास नहीं गया ना, मैं अर्चना और माना की हार चाहता था और वो हो गई। अरे लेकिन इस सब से मुझे क्या, अरे तुम्हारे और मेरे बीच में तो डील हुई थी ना कि ये घर तुम खरीदोगे और मुझे दोगे। तो आपको घर दिलवाने के लिए मैं अपने घर से बेघर हो जाता, अपना घर बेचकर भी मैं 85 लाख नहीं चुका पाता। अरे लेकिन धर्मेश हमारा घर तो चला गया ना हमारे हाथ से, तुमने सोचा है, तुमने सोचा कि अब मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाकर अपना सर पटकेंगे? ये आपकी प्रॉब्लम, मेरा प्लान था आपको इस्तेमाल करके अर्चना और मानव को चोट पहुंचाना, आपके बिना ही वो काम हो गया। रुको धर्मेश, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम, और धोखेबाज तो छोड़ो, अरे कितने बड़े कमीने इंसान हो। अगर धोखेबाज और कमीनों की गिनती हो ना तो आपसे आगे कोई नहीं निकलता। आपकी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है आपको, ना घर के ना घाट के। इस ऑप्शन में ना मेरी हार हुई है ना मानो, असली हार आपकी है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।